आज बनाते हैं हरी भरी लंच थाली। सबसे पहले मैंने यहाँ पे राजमा लिए हैं जिनको रात भर भिगो के रखा। राजमा को कुकर में डालेंगे और हाफ टी स्पून इसमें नमक, एक दो पिंच इसमें खाने का सोडा, जिससे राजमा अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। इसमें खड़े मसाले में मैंने दालचीनी, तेज़पत्ता और एनिस स्टार और खड़ी इलायची ली है मैंने। अब पालक को हम थोड़ा सा ब्लांच कर लेंगे एक दो मिनट के लिए गर्म पानी में, फिर इसको डायरेक्ट ठंडे पानी में डालेंगे जिससे इसका कलर चेंज नहीं होता है। कढ़ाई में तेल गरम किया, उसमें जीरा तड़काया, एक हरी मिर्ची और उसमें कटी हुई भिंडी डाल देंगे। अब इसमें मैंने सारे सूखे मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, भिंडी में सारे मसालों को मिक्स करके हम अच्छे से इसको ढककर एक दो मिनट तक पका लेंगे। भिंडी मेरी थोड़ी सी कच्ची है तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। पकने के बाद में मैंने यहाँ पे नमक, अमचूर पाउडर, गरम मसाला डाला और धनिया पत्ती डाली। मुझे भिंडी पर्सनली थोड़ी सी खट्टी और स्पाइसी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें नींबू डाला है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते। ब्लांच किए हुए पालक को हम ग्राइंडर जार में डालकर पीस, अब इस पेस्ट को गेहूं के आटे में डालकर इसका सॉफ्ट डो बना लेंगे और इस पे थोड़ा सा घी लगाकर हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको रख देंगे ताकि रोटियां इसकी बहुत ही सॉफ्ट। मैं यहाँ पर पालक की रोटी बना रही हूँ, अगर आपको पसंद हो तो आप यहाँ पे पालक के पराठे, पालक की पूरी भी बना सकते हैं इसमें। तो मेरी पालक की रोटी बनकर तैयार है, मैं जनरली इसको तवे पर सेकती हूँ। राजमा भी अच्छे से बॉईल हो गए हैं, मैंने यहाँ पे 7 से 8 कुकर में सीटी दी है और जो भी इसमें खड़े मसाले थे मैंने यहाँ पे उनको निकाल दिया। मुझे पर्सनली इसका टेस्ट अच्छा लगता है लेकिन जब ये मुँह में आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। दूसरी तरफ कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, उसमें जीरा तड़काएंगे, एक बड़े साइज़ का कटा हुआ प्याज डालेंगे, उसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम उसको भून लेंगे। एक मिक्सिंग जार में 2 बड़े टमाटर, एक हरी मिर्ची, जीरा और थोड़े से उबले हुए राजमा डाले हैं। उबले हुए राजमा डालने से ग्रेवी अच्छी और थिक बनती है, इससे राजमा और ग्रेवी अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। हम इसमें मैंने सूखे मसाले डाले हैं और इनको अच्छे से धीमी फ्लेम पर भून लेंगे। मसाला भूनकर तैयार है एकदम से, ये देखिए इसमें थोड़ा सा तेल दिखाई देने लगता है तो मसाला बिल्कुल तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी डाला है और उबले हुए राजमा डालेंगे, अच्छे से मिला देंगे। अब इसको ढक लगाकर 10 से 15 मिनट हाई फ्लेम के ऊपर पका लेंगे और इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसको गार्निश करेंगे। तैयार है मेरी हरी भरी लंच थाली, बनाइए, खाइए और खिलाइए। थैंक्स।